गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? आप लोग अच्छे हैं? बेटा हमने मैं और मेरी व्याकरण पुस्तक का संज्ञा शब्द पढ़ लिया, संज्ञा वाला पाठ पढ़ लिया है, सर्वनाम भी पढ़ लिया है और संज्ञा का टेस्ट भी आपने दे दिया है ना? अब सर्वनाम पाठ हमने पूरा पढ़ लिया, अब आज इसके टेस्ट की बारी है। मैं आपको ये भेजूंगी, इसकी अभ्यास पत्रिका, इसकी वर्कशीट भेजूंगी, इसको आपको सॉल्व करना है और मेरे पर्सनल नंबर पर भेजना है। इस सर्वनाम वाले पाठ में बेटा हमने पढ़ा सर्वनाम किसे कहते हैं, है ना, और संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग हम क्यों करते हैं, और किसी अन्य और किसी किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने इस पाठ में पढ़ी हैं बेटा। तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, है ना। थोड़ा सा अपन इस पाठ को रिवाइज कर लेते हैं और कुछ सर्वनाम शब्दों के वचन भी बदलते हैं, जैसे मैं का हम होता है, तुम का तुम लोग, यह का ये, वह का वे, इसे का इन्हें और उसे का उन्हें। और हम अपने लिए जो है मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं, और जिससे हम बात कर रहे हैं उसके लिए तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप और आपका, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। और जिसके बारे में, माने थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन में तो मैं, हम, है ना, आई वी, और सेकंड पर्सन में यू, तुम, जो सुनने वाला है, और थर्ड पर्सन जो सुन नहीं रहा है, ना तो मैं हूँ ना तुम हो, तीसरा व्यक्ति, ठीक है, उसके लिए वह, वे, उस, उसका, उन्हें, उन्होंने, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है बेटा। और कौन, कोई और क्या जो शब्द हैं इन शब्दों का भी सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। मैं, आप, हम, तुम, कौन, यह, वह आदि सर्वनाम शब्द हैं। और सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं, ये सारी चीज़ें अपन ने देख ली है ना, और दोहरा भी ली। अब है बारी बेटा टेस्ट की, है ना। टेस्ट में हम देखेंगे, पहला प्रश्न है सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो कह है, दादी आप कहाँ जा रही हैं, इस वाक्य में जो शब्द सर्वनाम है उसको आपको अंडरलाइन करना है। ख है, देखो कौन आया, इस सेंटेंस में, इस वाक्य में जो सर्वनाम है उसको आपको अंडरलाइन करना है। ग है, हम सब निशा के घर गए, तो इसमें जो शब्द सर्वनाम है उसको अंडरलाइन करना है। घ है, लगता है वहाँ कोई है, है ना, तो इस सेंटेंस में जो भी शब्द सर्वनाम है आपको उसको अंडरलाइन करना है, और आप कर चुके हैं बुक एक्सरसाइज में, है ना। अब नंबर टू, उचित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके वाक्य दोबारा लिखिए। तो क है, यश के भाई ने यश को पार्क में घुमाया, तो अब इसमें सर्वनाम शब्द का प्रयोग आपको करना है। आपको पता है पहले वाला तो संज्ञा के रूप में ही आएगा, नाम आएगा, पहचान आएगी, और दूसरा वाला जब आता, दोबारा आता, तो उसको हम सर्वनाम के रूप में लिखते हैं। ख वाला है, रवि ने कहा कि रवि को आम पसंद हैं, तो इसमें आप जहाँ सर्वनाम है लिखना है वहाँ आपको लिखना है। ग है, मीनू मीनू की सहेली से साइकिल चलाना सीख रही है, दोबारा जहाँ सर्वनाम लगाना है ना बेटा वहाँ आपको लिखना है, ठीक है। अब है प्रश्न तीन, प्रश्न तीन क्या है, कविता में आए सर्वनाम शब्दों पर गोला आपको लगाना है। एक गिलहरी एक पेड़ पर बना रही है अपना घर, देखभाल कर उसने पाया खाली है उसका कोटर। इस इन पंक्तियों में बेटा जहाँ जहाँ आपको सर्वनाम लगते हैं ना उनको आपको गोला बनाना, सर्किल बनाना है। प्रश्न चार है, सर्वनाम किसे कहते हैं, इसका जवाब आपको लिखना है। इस सारी एक्सरसाइज करने के बाद आपको समझ में आ जाता है कि सर्वनाम किसे कहते हैं, एक लाइन में आपको इसका जवाब देना है। आपकी कक्षा यहीं समाप्त होती है और आपका गृह कार्य है बेटा, अगला जो पाठ है हमारा वचन वाला, वो आप टेस्ट के लिए तैयार करेंगे। धन्यवाद।